शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है तुम्हें 24 घंटे तमाशे करने की आदत हो गई है, जो हमें बार बार यहाँ बुला लेती हो तुम। कम से कम आज के दिन अभय और श्रद्धा के तलाक वाली बात पे पछताने देती, लेकिन नहीं, उससे पहले ही एक और बुरी खबर सुनाने के लिए हम सबको फिर से यहाँ बुला लिया। आपसे किसने कह दिया कि मैं बुरी खबर देने आई हूँ? आज मैं आप सबके लिए एक खुशखबरी लेकर आई। खबर नहीं, मातम लाएगी है। खुश रहने के लिए अभी कुछ बचा है क्या रागिनी? बचा है ना श्रद्धा, इनफैक्ट सबसे अच्छी खबर तो तुम्हारे लिए ही है। आज मेरी बात मेरे वकील से हुई, अभय और श्रद्धा का तलाक फास्ट ट्रैक हो चुका है। कुछ ही दिनों में पेपर्स हमारे पास होंगे और इसी हफ्ते अभय और मैं शादी के बंधन में बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। एक शादीशुदा आदमी से शादी के सपने देख रही हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? एक बात कान खोल के सुन लो, अभय की पत्नी श्रद्धा है और कोई नहीं, समझी? अंकल जी, शायद आप भूल रहे हैं कि अभय ने यहीं पर आप सबके सामने पेपर्स पे साइन किया है। अब तुम्हें कौन समझाएगा कि रिश्ते कागज से नहीं दिल से बनते हैं, और एक साइन कर देने से तलाक नहीं हो जाता और रिश्ता टूट नहीं जाता। अरे श्रद्धा आज भी अभय की पत्नी और हमेशा रहेगी। हमारी बहन के साथ ना हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। इतनी अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, तो जाओ अभय के साथ सात फेरे ले लो और फिर जब कानून तुम्हें जेल के अंदर चक्की पिसवाएगी ना, तो बैठ कर चक्की पीसना और उसी चक्की के आटे से अपनी मांग भर के अपनी तमन्ना पूरी कर देना, और हम तुम्हें घसीटते हुए जेल लेकर जाएंगे हमारी दीदू और अभय के बीच में आने के लिए, और देखते कि कैसे तुम्हारी इंस्पेक्टर किरण तुम्हें हमसे बचाती है। तुम तो कुछ भी मत बोलो, तुमने वरुण को तो मुझसे छीन लिया ना, अब रखो ना उसे अपने पास। लेकिन अभय सिर्फ मेरा है और अभय को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये शादी होकर रहेगी। अभय ने ये रागिनी पे क्या जादू कर दिया है? इतना पागलपना इनका तो मैंने राजीजू के लिए भी नहीं देखा। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभय भैया और श्रद्धा भाभी आके कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, अब बस करके दिखाऊंगी। हमारे रहते ये कभी हो ही नहीं पाए। हमारे घर के बेटे हमारी बहू श्रद्धा के पति बन के रहेंगे या फिर आपके साथ जेल जाएंगे। अरे जाओ, आप लोगों की इन खोखली धमकियों से ना मैं अब नहीं डरती। अभय सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत इंतजार करने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा प्यार आया है। अब इस प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। साइन करो इस पे। ये क्या है? ये तलाक, अभय और श्रद्धा के तलाक के पेपर्स हैं। इसी हफ्ते अभय और मैं शादी के बंधन में बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए।
काम है। कोई भी ऐसे ही आके आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना अभय? मर जाऊंगा पर ऐसा कभी नहीं होगा। अब इधर बैठिए। अभय, आपको ये सारा नाटक करने के लिए मैंने ही मजबूर किया था ना, तो फिर अब मैं ही आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज ये सब छोड़िए। देख रहे हैं ना, ये सारा नाटक ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। कहाँ गया ये अभय? फिर तो यही था, कहीं ये श्रद्धा उसे फंसा कर अपने साथ तो नहीं ले जाना चाह रही? अभय, आप देख रहे हैं ना, जाकर भी रागिनी को रोकना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप ना ये सब नाटक छोड़िए, हम अपने घर को दोबारा से हासिल करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे अभय, लेकिन ये नाटक बंद कीजिए प्लीज। रागिनी मुझ पर अंधा विश्वास करने लगी, यही मौका उस विश्वास का फायदा उठाने का। श्रद्धा, मुझे भरोसा रखो, ये शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं घर के पेपर्स पे उसके साइन नहीं लूंगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं अभय? रागिनी आपसे शादी करके ही मानेगी। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए जुनून देखा है। आप चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो आपको हासिल करके रहेगी। अभय, श्रद्धा, तभी मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। नहीं अभय, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप ये सब छोड़िए, मैं आपसे कह रही हूँ। श्रद्धा, दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस उसी भरोसे पे भरोसा रखो कि हमारा घर, हमारी आरती उस रागिनी और कुणाल के चुंगल से बाहर निकाल के रहूंगी, और हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। श्रद्धा, कमरे में तुम तो बिल्कुल अकेली हो गई श्रद्धा। वैसे कहाँ है तुम्हारा पति? आई मीन मेरा होने वाला पति। रागिनी, इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकल जाए, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ से बाबे को ढूंढने आई थी। वो यहाँ पर नहीं है, और प्लीज यहां से अब जाओ। श्रद्धा, मुझे भी निकलना होगा इससे पहले कि रागिनी को मुझ पे शक हो जाए। फोन था ये? ब्लैंक कॉल्स कौन करने लग गया आजकल, और वो भी इस वक्त? नंबर पता करती हूँ। अभय और मैं शादी के बंधन में बन जाएं, हमेशा हमेशा के लिए।
क्या कर रही हैं आप? और क्यों? क्या मिल रहा है आपको अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करके? क्या लगता है तुझे कीर्ति, ये सब देख के मुझे खुशी मिल रही है? थी तो हमने भी वरुण जी को रागिनी से बचाया था ना, तो आप अभय को बचाने से क्यों डर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? अपने आंखों के सामने अपने पति को उस रागिनी की मांग में सिंदूर डालते हुए देखना चाहती हैं आप? कीर्ति, तू हालात जानती तो है ना, अब ये सब ये कैसे मोड़ पे है जब बस रागिनी से हमें हमारा घर वापस लेने की देरी है, और फिर हम हमारी आरती को उस कुनाल और रागिनी के बीच ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना? दीदो, घर और घर वालों को बचाने के चक्कर में कहीं आप अपना सुहाग ना खो दे, और हमेशा आप बस दूसरों के बारे में नहीं सोच सकती, अब ना आपको थोड़ा अपने लिए सोचना होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि अभय भैया श्रद्धा भाभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सोच तो मैं भी नहीं सकता हूँ आरती कि तुम ऐसा कर सकती। मैं? यार हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि इन सब पचड़ों में पड़ी रहती, मैं तो जैसे नजर ही नहीं आता हूँ। पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आते। बस आजकल ना मैं श्रद्धा भाभी और अभय भैया को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। यार बच्चे नहीं है वो। आरती प्लीज, अगर इन सब चीजों में हम उलझे रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी कब शुरू करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो ये सब, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते? अपनी बीवी के साथ कुछ समय बिताना चाहते, अकेले में। ठीक है। I love you, Kumar. बस अब यही सुनना है मुझे, और इसी के साथ शुरुआत होगी हमारे रोमांस की रात की। आरती, ये रात यादगार रहेगी, तुम और मैं होटल के एक कमरे। तो जाओ जल्दी से अपना सामान पैक कर। जाओ। हाथ तो छोड़ो। पक्का छोड़। ये सारे तमाशों में कोई आरती और कुनाल पे ध्यान ही नहीं दे रहा, और यहाँ कुनाल आरती को ले जाने के फिराक में। श्रद्धा को बताना। अरे सोनी, क्या हुआ, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? वो कुनाल हमारी आरती को होटल लेके जा रहा है। क्या, कब? अभी मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना है, श्रद्धा कुनाल पूरी तैयारी में। घटिया आदमी, घटिया सोच, घर में इतने तनाव का माहौल चल रहा है और वो मौके का फायदा उठाने में तुला है। घर में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो कीर्ति, हम इस तरह से कुनाल पर से नजर नहीं हटा सकते। कुछ भी करके हमें उसे रोकना होगा। एक तरीका है दीदू। पर क्या? टेढ़े आदमी के लिए ना टेढ़ा रास्ता ही लेना होगा। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ, मगर आपके इरादों से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपनी ही बीवी को कहीं नहीं ले जा सकता। क्या कुनाल जी, आप हमेशा हमें गलत क्यों समझते हैं? हम तो बस अपने हाथ का बना हुआ हलवा चखाने आए थे। वो क्या है ना कि दीदू और अभय के बीच में कितना कुछ चल रहा है, तो ना सबका ख्याल हमें ही रखना पड़ता है, इसीलिए हमने ये हलवा बनाया है। आप लोग भी खा के बताइए कैसा है। बहुत मेहनत से बनाया है हमने ये हलवा। चख के बताइए ना कि हमने हलवा कैसा बनाया है। ये लीजिए आरती, तुम भी खाओ। मीठी छुरी है ये कीर्ति, इसका मीठा जहर जरूर बुरा काटेगा। भाभी जी थैंक यू, पर अभी हमें देर हो रही है, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, हमारा मतलब है आरती, अपने पति को बोलो ना
हमने पहली बार हलवा बनाया, इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास कि चक्के बता पाओ। कुणाल खा लो ना, देखो भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, ये देखो। अब या तो हमारा प्लान खराब होगा या ये जमाल गोटे वाला हलवा खा के इसका पेट खराब होगा। वाह भाभी। आरती मेरा मन नहीं है इस... कैसा लगा हलवा चीजा जी? हाँ टीचर। अच्छा हलो? बस बस ठीक है, अब हम जाएं या फिर लिखित में परमिशन लेनी पड़ी? नहीं नहीं आप लोग को लेट हो रहा है, आप लोग जाइए। क्या आरती कितना खाओगी, जाइए ना। चलो आरती। अब तो बाथरूम में परमिशन नहीं देगा आपको इस घर से निकलने के लिए कुणाल जीजा जी। आरती तुम यहां इंतजार करो, मैं बस अभी आया 2 मिनट। वाह कीर्ति तेरा ये जमाल घोटे वाला प्लान तो काम कर गया। भाभी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं आरती, वो बस अंदर बैठे बैठे ना मन बहुत घबरा सा रहा था इसलिए बाहर आ गई। बस यही सोच रही थी कि काश कोई ऐसा होता जिससे बात करके अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकूं। भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, मैं हूं ना आपके लिए। चलिए हम दोनों ना बाहर टहल कर आते हैं। चलिए सब समझ रहा हूं, इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरा पेट खराब किया है ताकि मेरी शाम खराब कर सके। इस हलवे का असली स्वाद तो इनको चखा के रहूंगा सबक सिखा के। रागिनी को सबक सिखाते सिखाते पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अभय मुझे छोड़कर उस रागिनी का हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। आरती अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। भाभी चलिए सबसे पहले हम आपका मूड ठीक करते हैं, ठीक है? वो देखिए चाट, कितना टाइम हो गया ना आपके साथ चाट खाए हुए, चलिए ना साथ में चाट खाते हैं। यहाँ की चाट इतनी जबरदस्त है आपको सच में अच्छा लगेगा। आरती मेरा मन नहीं है, तुम जाओ प्लीज। भाभी आप यही रुको, मैं बस लेकर आती हूँ। जब तक आरती यहाँ मेरे साथ है तब तक बस वरुण जी और कीर्ति घर पे सब कुछ संभाल लें। आरती क्या हुआ भाभी, आप यहाँ क्यों आ गए? वो मैं कुछ सोच रही थी, मैं कुछ शायद सोचने लग गई थी। अच्छा छोड़िए वो सब, चाट तैयार है, चलिए हम चाट खाने चलते हैं। चलिए नहीं वो नहीं हो सकता, मेरा वहम होगा, पर अगर ये सच हुआ तो आरती अब सुनो ना, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तो तुम तब तक घर जाओ, मैं बस वो काम खत्म करके आती हूँ। और भाभी तुम जाओ ना, मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में घर। ठीक है। माता रानी मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों के सामने देखा
एक पल के लिए लगा कि वो सिर्फ एक वहम है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाना चाहती हैं। मेरी मदद कीजिए माता रानी, मैं अपने अभय को नहीं खो सकती हूँ, उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने ही हाथों अपने रिश्ते को दांव पर लगा दिया, पर माता रानी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी मदद कीजिए माता रानी, मुझे रास्ता दिखाइए। शादी का माहौल है इस घर में तो नाच गाना ढोल बजाना ये तो होगा ही ना। अभय और रागिनी, तुम दोनों को मेरी तरफ से शादी मुबारक। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।